हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 3 का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम कहते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या था? देखो भैया, 1991 के पहले अगर हम बात करें, मतलब 1991 से पहले अगर हम बात करें, तो देश में जब से हम आज़ाद हुए 1947 से, तब से हमने अपनी इकोनॉमी को बहुत क्लोज करके रखा। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि विदेशी दुनिया से हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं होगा और बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जाएगी। तो उस टाइम पे चलता था लाइसेंस, कोटा, परमिट, ठीक है ना। उस टाइम को कहा जाता था, मतलब 1991 तक के जो राज था इसको बोला जाता था लाइसेंस राज। क्या बोला जाता था? लाइसेंस राज। यहां पर लाइसेंस का राज हुआ करता था, मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है तो सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लगभग एक एवरेज तौर पर निकाला जाए तो उस टाइम पे 80 डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेने पड़ते थे। मतलब अगर आपको कपड़े की फैक्ट्री लगानी है तो आपको लगभग 80 डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो आप इमेजिन करें कि बिजनेस कितना मुश्किल होगा। एक बिजनेस को स्टार्ट करने का अगर सोच रहा है आदमी तो 80 लाइसेंस लेने जाएगा तो साल दो साल तो उसको बिजनेस स्टार्ट करने में ही लग जाएगा। तो ये परेशानियां थी। अच्छा बताओ, अगर लाइसेंस की जरूरत होगी, लाइसेंस ज्यादा लगेगा, तो क्या लोग बिजनेस करने में, भैया लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा? तो ब्यूरोक्रेट्स जो होंगे, जो नौकरशाह लोग होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, वो घूस लेंगे। सरकारी ऑफिसर आप जानते हैं बड़े ईमानदार होते हैं, तो वो घूस लेते हैं। अब वो घूस लेते हैं और घूस ना दो तो काम को लटका के रखते हैं। तो ये रेड टैपिज्म का इतना बड़ा, रेड टैपिज्म यानी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का इतना ज़्यादा खेल हुआ करता था, इतना लोग घूस लेते थे कि यहाँ पर कोई भी आदमी, नया आदमी बिजनेस करने से पहले 1000 बार सोचता था। तो लाइसेंस, कोटा, परमिट। कोटा मतलब होता था कि गवर्नमेंट कोटा बनाती थी, जैसे इंपोर्ट कोटा, आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पर या कोटा का ऐसा भी होता था प्रोडक्शन के लिए कि सिर्फ इतना ही बना सकते हैं। परमिशन यानी हर चीज के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो लाइसेंस, कोटा, परमिट, जिसको LQR कहते थे, इसको रिप्लेस किया गया LPG से। इसको किससे रिप्लेस किया गया? LPG। L मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, एनजी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में LQR हैज बीन रिप्लेस्ड विथ LPG, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि 1947 से 1991 तक हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड थी, उस इकोनॉमी को खोला गया LPG के थ्रू। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम अगर बात करें तो फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नई इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या फीचर थे, तो पहला डीलाइसेंसिंग। डीलाइसेंसिंग यानी लाइसेंस राज को खत्म किया गया, लाइसेंस राज को अबॉलिश किया गया। हर एक धंधे के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस लगता था, उसको हटा करके अभी ये सिचुएशन है। मतलब लगभग उस टाइम पे 80% इंडस्ट्रीज को हटाया गया कि लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, अभी सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत होती है। उसके बाद बात करें दूसरा काम क्या था, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले क्या होता था, सारे काम या फिर कह दें ज्यादातर काम सरकार के कंट्रोल में होते थे, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, ठीक है, ये सारी चीजें सरकार कंट्रोल करके रखती थी। मतलब सरकार कहती थी ये काम सिर्फ हम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लोगों इसकी तरफ आंख उठा के देखना भी नहीं, मतलब इस धंधे के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये काम सरकार ने अपने लिए रिजर्व कर रखा है। तो क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर के रोल को हटाया गया और इंडस्ट्रीज, दैट इज इंडस्ट्रीज विच आर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। मतलब उनको बोला गया कि अब ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के लिए, जैसे एयरलाइंस को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया, बैंकिंग सेक्टर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया गया, मतलब आप भी अब उस काम में कर सकते हैं। सरकार तो करेगी ही, साथ ही साथ आप कर सकते हैं। मतलब सरकार ने बोला हमारा काम सरकार चलाना है, हमारा काम धंधा करना नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर के लोग काम करेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट था।
अब आगे आए अगर तीसरा जो था ये क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार अपने अपने शेयर्स को बेच देगी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को। मतलब मान लीजिए एक कंपनी है LIC, ठीक है ना, LIC में मान लीजिए सरकार 90% शेयर होल्ड करती है, तो सरकार ने उसको क्या किया, उसको 50% शेयर किसको बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, तो वो क्या कहलाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। मतलब सेलिंग पार्ट, कोई हिस्सा या होल, सारा शेयर बेच दो, तो उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब ये क्या था, देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अगर 51% से ज्यादा कोई भी शेयर खरीद ले तो उसके हाथ में मैनेजमेंट चला जाता था। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि हमारा काम बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं करना है, हमारा काम कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है, ये प्राइवेट सेक्टर के लोग करें, ये वही बेहतर कर सकते हैं। जैसे मारुति उद्योग, इसका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, पहले ये गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी थी लेकिन इसको बाद में क्या किया गया, सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। जैसे अभी एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। उसके बाद क्या है, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल। पहले हमारे देश में फॉरेन कैपिटल पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा करते थे। पहले एक एक्ट हुआ करता था FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1973 में बनाया गया था। ये एक्ट खतरनाक एक्ट था। ये एक्ट कहता था कि फॉरेन कैपिटल अगर ला रहे हो और थोड़ी सी भी गलती हुई तो इस एक्ट में मैक्सिमम पनिशमेंट थी 10 साल की, कितने ईयर्स की, 10 ईयर्स की जेल। तो अब विदेशी सोचते थे यार कि हम पैसा लाएंगे, लगाएंगे इंडिया में और अगर कुछ थोड़ी बहुत गलती हो गई तो जेल में ये बंद कर देंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या किया गया, प्रमोट किए करने के लिए क्या किया गया, 1991 के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया। और कुछ जगह तो 100% FDI अलाउ किया गया, मतलब विदेशी लोग उस बिजनेस में 100% पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल कोलैबोरेशन। देखो इंडिया में मतलब टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी थी, तो हमें फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके उस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का मौका मिला। मतलब इंडिया में हाल ऐसा था कि इंडिया के लोगों की कपड़े के स्मेल से लोग पहचान जाते थे कि आप इंडियन हैं। मतलब क्योंकि हमारे पास मॉडर्न ड्राई क्लीनिंग मशीन इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते थे हम, तो लोग कपड़े के स्मेल से पहचान जाते थे। अमेरिका वगैरह में इंडियन डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर लिया था। ये मैं बात कर रहा हूं 1991 के काफी पहले की, ठीक है ना। उसके बाद सेटिंग अप FIPB यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सरकार ने बोला फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंट्री में लाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, FIPB बनाएंगे, जिसका काम ही क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाना। क्योंकि अगर इंडिया में इंडस्ट्री लगेगी तो इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। तो ये था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम बात करते हैं LPG की, थोड़ी सी कर लेते हैं। LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे LPG की, ठीक है, L यानी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं, उदारीकरण, मतलब उदार हो जाना, लिबरल हो जाना। सरकार ने पहले जो कंट्रोल्स लगाए थे बिजनेस के ऊपर, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर देना और जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा देना, रिमूव कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो पहला क्या था, अबॉलिशन ऑफ लाइसेंसिंग इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। लगभग 80% इंडस्ट्रीज को उस टाइम पे क्या किया गया, लाइसेंस को अबॉलिश किया गया। तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन, आप चाहे तो बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आप चाहे बिजनेस घटा सकते हैं, इसकी आजादी दी गई। टैक्स रेट को कम किया गया और सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर, मतलब आपको बोला गया कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हम ज्यादा परेशानी नहीं खड़े करेंगे, आपको आप अपनी मर्जी के हिसाब से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें प्राइवेटाइजेशन। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है मोर रोल टू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को हम ज्यादा काम करने का मौका देंगे। एंड रिड्यूस्ड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकार अपने रोल को घटाएगी बिजनेस करने में और प्राइवेट सेक्टर विल बी गिवन मोर रोल एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए दो उपाय किए गए। पहला डिस इन्वेस्टमेंट किया गया। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ट्रांसफर ऑफ पार्ट और होल शेयर
ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो पहले सरकार के कब्जे की कंपनियां हैं उनके शेयर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया जाना, ये कहलाता है डिस इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? पहले मान लीजिए सरकार, मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूं, सरकार के पास शेयर थे, अब वो शेयर प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देंगे तो कहा जाएगा कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा उपाय था रिवाइवल ऑफ सिक पब्लिक अंडरटेकिंग। सिक पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब ऐसी कंपनियां जो बीमार है मतलब उनको बुखार नहीं आता, बीमार है मतलब जो घाटे से चल रही हैं, जिनमें घाटा हर साल बढ़ता ही जा रहा है, उनको क्या किया जाए, रिवाइव किया जाए, उनको फिर से जिंदा किया जाए, उनके अंदर फिर से जान फूंक दी जाए। तो इसके लिए स्थापित किया गया बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR को बनाया गया, BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इनका काम क्या था कि जो बीमार कंपनियां हैं, जो घाटे में चल रही हैं, जो लगातार बर्बादी के कगार पे हैं, जो जिन्होंने प्रॉफिट का मुंह बहुत दिनों से नहीं देखा, उन कंपनियों के अंदर जान फूंक दी जाए। तो ये था LPG। अब देखो मैं आपको बता दूं, ये दोनों उपाय थे, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये किया गया, एंड ग्लोबलाइजेशन खुद से हो गया। ग्लोबलाइजेशन मतलब जब हम लिबरल हुए और प्राइवेट हुए तो ये रिजल्ट में हमें क्या मिला, ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी की को दुनिया की इकोनॉमी के साथ इस तरह से जोड़ देना कि ट्रेड करना आसान हो जाए, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज कैपिटल इधर से उधर ले जाना आसान हो जाए, आना जाना आसान हो जाए, ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के मतलब सारे बंधन तोड़ दिए जाए, ठीक है, दिल के दरवाजे खोल दिए जाए विदेशियों के लिए कि आओ हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम हमारे यहाँ आओ और बिजनेस करो। मतलब आज आप देखें कंट्री में आपको आईफोन खरीदना कितना आसान है, आप खरीद सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आप चाइना का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आप जापानीज प्रोडक्ट खरीद सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसी तरह से इंडिया से सॉफ्टवेयर अमेरिका जाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारी चीजें क्या है, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग द वेरियस इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब हम हिंदी में कहते हैं ना, हिंदू में एक वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू शास्त्र में किसी में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही अपना घर है। तो ग्लोबलाइजेशन भी यही कहता है कि पूरी दुनिया ही अपना बिजनेस करने के लिए घर है। तो रिमूवल ऑफ बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसके द्वारा ग्लोबलाइजेशन किया जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट LPG, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस। भैया जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए उसका इंपैक्ट क्या आया बिजनेस में? भैया रिफॉर्म्स तो कर दिए लेकिन धंधे में क्या फर्क आया, ये समझने की जरूरत है। तो पहला है इंक्रीज्ड कंपटीशन। कंपटीशन सर, आप पूछेंगे सर क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म से कंपटीशन बढ़ गया? मैंने बोला हाँ बेटा कंपटीशन बढ़ गया। क्यों भैया? क्योंकि पहले आपका कंपटीशन सिर्फ घर के लोगों से था, देश की कंपनियों से था, अब विदेशी फर्म्स भी आ गई, विदेशी कंपनियां भी आ गई, अब आपका कंपटीशन पहले से बड़े लोगों से होगा। विदेशी कंपनियों के पास ज्यादा कैपिटल भी होगी, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी भी होगी, तो अब आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग की बात करें तो मान लीजिए आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या था, पहले देसी बैंक थे, इसके साथ प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी आ गए। प्राइवेट सेक्टर के बैंक जैसे मान लीजिए आपका प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं आपका, अभी कितने नए बैंक्स आ गए हैं। अब फॉरेन कंपनी की बात करें तो जैसे प्राइवेट सेक्टर का बैंक ICICI या HDFC बैंक, और विदेशी बैंकों में ले लो तो सिटी बैंक, ये अमेरिका का बैंक है, HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्प, ये चाइनीज बैंक है। तो ये क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। ऐसे एयरलाइंस की बात करें तो पहले एयर इंडिया था, लेकिन अब देखो अभी कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, आपको विस्तारा से भी कॉम्पीट करना है, जेट एयरवेज से भी कॉम्पीट करना है, मलेशियन एयरलाइन से भी, ब्रिटिश एयरवेज से भी कॉम्पीट करना है, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ गया। ऐसे इंश्योरेंस में पहले LIC बस था, अब आप देखें LIC था, GIC था, अब आप देखें बजाज एलियांज, ठीक है ना, ICICI प्रूडेंशियल। तो ये कॉम्पिटिशन बढ़ गया, मतलब कि विदेशी कंपनियां आई, प्राइवेट सेक्टर के लोग आए, तो पहले से कॉम्पिटिशन बढ़ गया। उसके बाद दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। देखो भैया कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन बढ़ी, कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ी, तो उन्होंने उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, कम कॉस्ट पे चाहिए, बेहतर टेक्निक चाहिए, तो ये सारी चीजें हुई।
तो कस्टमर्स की डिमांड में भी, मतलब डिमांड यानी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन यानी कस्टमर्स की अपेक्षा में। अब देखो आप अगर एक्वा गार्ड लगाओ, तो अब एक्वा गार्ड लगवाने के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि आफ्टर सेल सर्विस होगी, मतलब एक टाइम के बाद वो आके चेंज करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या हुई, कस्टमर्स के अंदर आई। उसके बाद हम बात करें रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मतलब कि फॉरेन कंपनी आई और उनकी टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है टाइम टाइम पे, तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हुआ। और अगर उस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आपको अपने आप को जिंदा रखना है, तो आपको भी अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी में चेंज अपडेट करना पड़ेगा। सो ये था इम्पैक्ट। उसके बाद अगले इम्पैक्ट पे आते हैं, नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब ये था कि भैया कंपटीशन बढ़ गया है मार्केट में, और कंपटीशन कट थ्रोट लेवल का आ गया है, मतलब गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा है। तो आपको अगर मार्केट में जिंदा रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। मतलब यार कंपटीशन अगर करना है तो आपको भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, जिससे आप उस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव कर सकें, अदरवाइज आप उस कॉम्पिटिशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। भैया देखो ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसान, किसी भी कंपनी में काम करने वाला इंसान उस कंपनी के लिए, उस कंपनी की जान होता है। कैसे भैया, वो वही आदमी कंपनी के लिए काम करता है तो बोला गया कि भैया उस इंसान को ट्रेनिंग दो, उस इंसान का डेवलपमेंट हो, जिससे उसकी स्किल में सुधार आएगा, जिसकी उसके अंदर की क्वालिटी में सुधार आएगा, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम करेगा। और जब वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम करेगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आसमान की बुलंदियों को छू लेगा। उसके बाद अगला इम्पैक्ट है मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। देखो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, कि पहले पता लगाओ कि मार्केट में किस तरह के गुड्स की डिमांड है और फिर गुड्स बनाओ। उससे पहले क्या होता था, प्रोडक्ट बना लिया जाता था, और प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केट की तरफ, मतलब पहले प्रोडक्ट बना लिया और रखा, और फिर मार्केट में बेचने निकल पड़े। तो ये था प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। लेकिन मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या बोला गया, पहले मार्केट का एनालिसिस करो, मार्केट का एनालिसिस करिए आप पहले, उसके बाद प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद प्रोडक्शन करना। पहले अगर प्रोडक्शन कर लोगे तो लोग अपने हिसाब से चीजें खरीदेंगे, आपके बताने के हिसाब से थोड़ी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट सर्वे करिए, एनालिसिस करिए, और उसके बाद पता लगाइए कि कौन सी डिमांड है गुड्स की, वो बनाइए। पहले आप प्रोडक्ट बनाएंगे फिर मार्केट में जाएंगे तो माफ कीजिएगा, अब आपके ये गुड्स बिकने वाले नहीं है। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर बताइएगा, और अपने क्लासमेट को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।